सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बाइकर डायरीज। आज की ब्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक मार्केट एंड कुछ गाड़ी का कुछ पार्ट मिसिंग है, उसको लगवाना है एंड कुछ स्टिकरिंग को हटाना है। ज़्यादा कुछ हो गया है गाड़ी पे, मैं आपको दिखा दूँगा नीचे चल के, तो वो है और कुछ और काम भी है। तो इसी साथ में हमारा एक ब्लॉग बन जाएगा और मैं आपको ले चलने वाला हूँ कि जितने मतलब एक तरह से कहें तो गोरखपुर का चोर बाजार ही बोलते हैं उसको। हर एक चीज़ें सस्ते मिल जाती हैं वहाँ पे। आपको हेलमेट जो है जहाँ पर अगर ऑनलाइन आपको दिख रहा है 2000 रुपये का, तो वहाँ तो 1000 से 1200 रुपये में सेम मॉडल सेम सब कुछ मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीदी हुई हैं, जैसे मेरा ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाइक का कुछ स्टिकरिंग का काम था, वो भी कराया था मैंने, और लॉक वगैरह सारी चीज़ें वहीं से खरीदी हुई हैं। तो बहुत अच्छा मार्केट है, सस्ते मिल जाते हैं। जो चीज़ ऑनलाइन आप देख रहे हो अगर 500 रुपये है तो वो आपको मिल जाएंगी 250 या 300 रुपये में मिल जाएगी वो चीज़, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो चलते हैं ब्लॉग। उन्होंने वायर्ड माइक ना यूज़ करके वायरलेस यूज़ किया था, जिसमें वॉइस जो है मिस हो गया था। तो आई होप कि सही होगा। टेम्परेचर बहुत हाई है, 40-42 तक में चला जा रहा है पूरा खुद का टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत हाई है, ऐसी धूप में निकले हुए हैं, पता हो रहा है करीब 11 बजकर 22 मिनट। निकलना नहीं चाहिए, शाम में जा सकते थे, बट शाम में तक नहीं करना, रिप्लाई कर लेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है। बहुत तेज वायर्ड माइक ही सही रहता है ब्लॉगिंग के लिए। वायरलेस वाले में बड़ा वाइंड आवाज़ है, अपनी आवाज़ कंसेस कर देता है। पहले वाला माइक सही था कि जाना भी जरूरी है। 40-42 डिग्री का तापमान पहुंच चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा धूप है, काफ़ी गर्मी हो रही है, लेकिन जाना भी ज़रूरी था क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा निकाल लेता हो जाएगा काम में, तो शाम के टाइम पर भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रोड क्रॉस करने में टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी हम निकल रहे हैं। अभी कुछ टाइम हो रहा है 10:30-11 करीब टाइम हो रहा है। जिस जगह मैं जा रहा हूँ आज, मेरे को उस जगह में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बाइक का हर जगह, अब बाइक का क्या ही मतलब, वहाँ पे वो माहौल ही एक अलग लगता है।
जहाँ पे आप देखोगे जितनी नज़र नज़र जाएगा आपका, तो वहाँ पे आपको सिर्फ बाइक ही बाइक दिखेगा। तो एक तरह से अच्छा लगता है, मतलब अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ कहीं पे गाड़ी चलाई हो रही है, कहीं पे इंजन खुला हुआ है, कहीं पे कुछ डीलिंग चल रही है, कोई छोटा दुकानदार है, कोई बड़ा दुकानदार है, हेलमेट का पूरा सेल लगा हुआ है। तो ऐसे आप लोग जाके कभी टाइम मिले तो अगर बाइक से दिखती है, यदि मेरे बाइकर दोस्त हैं जाके वहाँ पर कर दे सकते हैं। दो तीन लोगों ने पूछ रहे थे कि हेलमेट कहाँ सस्ते मिल जाएंगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सुमेर सागर पे आ जाओ, जो विजय चौक से गली जाती है वहाँ पे आप जाओ, एक बार ब्राउज़ करो, रेट पता करो, तुरंत मत लो, थोड़ा सा मार्केट घूमो ताकि मार्केट का रेट जान लो क्या आपको पड़ेगा, एक्चुअल क्या है उसका, क्योंकि बगल बगल की दुकानों पर ही 100-200 रुपये का फ़र्क आ जाता है। तो थोड़ा देख के थोड़ा सा लेना चाहिए, कोई भी सामान अगर जा रहा है कोई भी मेरा दोस्त हो लेना चाहिए। तो अभी हम काली मंदिर पार कर रहे हैं और यहाँ से करीब करीब 1-2 किलोमीटर पड़ेगा, एंड हम थोड़ा घूमते हुए जाएंगे, थोड़ा और भी काम है उसको भी पता करते चले जाएंगे, ताकि रोज रहना हो नहीं पाता है इधर, और थोड़ा जो काम रहता है कि बार में निकाले तक बढ़िया रहता है, बार बार आने से बच जाते हैं, और भीड़ इतनी होती है इस एरिया में कि, और ख़ासकर गोलघर और विजय चौक की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो डेली आना पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैं जिस जगह से गुजर रहा हूँ वहाँ पर 3-4 मार्केट है, जैसे कि आपको एक बलदेव प्लाजा मिल जाएगा कि जो कि मोबाइल एक्सेसरीज मोबाइल्स के लिए ही पूरा फेमस है, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें आपको एक मार्केट और मिलेगा जिसको बोलते हैं शाही मार्केट, जिसमें आपको लैपटॉप से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में या फिर बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस में मिल जाता है। उसके आगे आप चलेंगे तो बाइक का पूरा आपको मार्केट मिल जाएगा। तो ये पूरा एक ग्रुप है मार्केट्स का, तो आप एक एक करके ब्राउज कर सकते हैं। अभी ये मैं जा रहा हूँ, जस्ट हम निकले हैं इस पे विजय चौक वाले रोड पे, और आपको दिखा चलता हूँ। जस्ट मेरे आगे है शाही मार्केट, जहाँ की मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, और ये गली है। आप यहाँ से आप रास्ता शुरू होता है आपका, अब यहाँ से आप अंदर जाए जैसे जैसे जाएंगे आपको दुकानें मिलती चली जाएंगी, बहुत लंबा मार्केट है, और आपका एक रास्ता काली मंदिर से भी पतली गली में अपनी गाड़ी का जो नंबर प्लेट का आपका ये सील्ड आता है उसको किसी ने पार्किंग में रखा हुआ था तो वो दिया था, और तो ये चेंज करवाना है दूसरा, पहला तो भैया और भी काम करने में बिजी हैं, एंड जो मेन है अभी कुछ काम कर रहे हैं अंदर, उनसे बात हो गई है अपनी, तो फिर लगवा देते हैं, अपनी गाड़ी निकल चुका है अभी। और दूसरा मैं कोशिश कर रहा हूँ जो सारी स्टैंड है उसको निकालने की, क्योंकि उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, एक बार चेंज करके देखते हैं कैसा लगता है। बाकी कुछ स्टिकर रिमूव करवाने हैं तो अभी देखते हैं, अगर फ्री होते हैं भैया तो कुछ करा देंगे, नहीं तो फिर बाद में आना पड़ेगा बोल रहे हैं। तो गाइस ये अभी न्यू लुक है गाड़ी का, और निकालने के बाद का ये सारी स्टैंड निकाल दिया हमने, तो कैसा लुक लग रहा है वो दोस्त दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो बाकी काम बाद में होगा,
इतना टाइम मिला नहीं है कराने के लिए, तो बाकी काम बाद में। To give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff.